वेल हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं जो है द मेयर ऑफ कैस्टरविल जो नोवेल है जिसे हार्डी ने लिखा है, थॉमस हार्डी इनका फुल नेम है, इस नोवेल को डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का जो है आंसर एक ही होगा। जैसा कि क्वेश्चन है, शो हाउ हार्डीज व्यू ऑफ द लाइफ इज रिफ्लेक्टेड इन द मेयर ऑफ कैस्टरविल, और मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ लाइफ ऑफ हार्डी। तो मतलब किस तरह से इन्होंने इस नोवेल में अपने फिलॉसफी ऑफ लाइफ को दिखाया है उसको डिस्कस करना है। जो लोग भी मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जिसका भी आंसर आप लोगों को चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आंसर को। तो जो थॉमस हार्डी हैं ये एक बहुत ही मोस्ट आउटस्टैंडिंग नोवेलिस्ट है इस वर्ल्ड के, और जो ये इनका नोवेल है द मेयर ऑफ कैस्टरविल ये बहुत ही यूनिक नोवेल है विक्टोरियन एज का। इस नोवेल का सबसे पहले जो सब टाइटल है वो क्या है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर, ये इस नोवेल का सब टाइटल है जिसको जो है 1886 ईस्वी में पब्लिश कराया गया था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट हार्डी रिफ्लेक्ट वेसेक्स लाइफ इन द मेयर ऑफ कैस्टरविल, जो हार्डी हैं इनका मोस्ट ऑफ द नोवेल जितने सारे भी हम लोग देखेंगे इन्होंने इसमें जो है वो वेसेक्स लाइफ जो है उसको ही दिखाया है, और उनकी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है हम लोग इस नोवेल में बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। हार्डी का मानना है कि जो हैप्पीनेस है वो बस एक सॉर्ट ऑफ ये ड्रामा ऑफ पेन है, मतलब बस एक थोड़े समय के लिए उनके अनुसार जो है वो हैप्पीनेस होता है। इट मीन्स दैट हैप्पीनेस कम फ्रॉम अ वेरी ब्रीफ पीरियड इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ पीपल सफर फ्रॉम पेन डिस्ट्रेस डिस्ट्रक्शन। मतलब जो हार्डी है उनके अनुसार जो लाइफ है वो बिल्कुल जो है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए भी उसमें हैप्पीनेस रहती है, लेकिन और जो रेस्ट लाइफ है उसमें हम लोगों को पेन डिस्ट्रेस डिस्ट्रक्शन यही सब झेलना पड़ता है। सो जो हार्डी हैं उनका ये भी मानना है कि फेट और चांस भी जो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल्स के लाइफ में, और हम लोग इजीली समझ सकते हैं उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को बाय द नोवेल द मेयर ऑफ कैस्टरविल के थ्रू। नेक्स्ट जो है जो हार्डी हैं उनका मानना है कि यहाँ पे इस वर्ल्ड में ही हम लोगों को क्या होता है, जस्टिस मिलती है। इसी वर्ल्ड में हम लोगों को जो है जस्टिस मिलती है। उनके अनुसार अगर कोई पर्सन सीन करता है, पाप करता है, तो उसको जो है वो पनिशमेंट फेस करना पड़ता है। नाउ यू कैन कॉल इट फेट और गॉड्स विल। अब इसे आप लोग चाहे अपनी किस्मत समझें या फिर भगवान की इच्छा कि हम लोगों ने ऐसा काम किया तो इसके वजह से हमें ये मिला है, लेकिन पनिशमेंट तो हर एक सीन का मिलना बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल मिलना ही है। और इस नोवेल में हम लोग ये पनिशमेंट को थ्रू द कैरेक्टर हेंचर्ड के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, जो कि जो है अपने पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता है और अपनी गलती को भी मानता है जो उसने गलती किया था, और वो अपनी गलती को मान करके जो है अपना सबसे बड़ा वो ग्रेटनेस को दिखाता है। तो एज सुन एज क्या होता है, जो हेंचर्ड है वो अपने जो उसने पाप किया था, कमिट सीन किया था, और वो कैसा सीन रहता है कि उसने अपनी जो वाइफ है उसको जो है वो सोल्ड कर दिया रहता है, बेच दिया रहता है वो ड्रिंक करके, और उसी वक्त जो है वो एक ओथ लेता है जिसे पूरा भी करता है। और वो ओथ क्या है, तो ये वो कसम खाता है कि वो 20 ईयर्स तक अब वाइन को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसकी ग्रेटनेस को देख सकते हैं, और उसने जो सीन किया था उसको पनिशमेंट भी मिल चुका है उस चीज़ का। इसके अलावे जब उसकी जो वाइफ है वो रिटर्न आती है, ही वॉज एट द हाइट ऑफ हिज प्रॉस्पेरिटी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के शिखर पर पहुंच चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर चुका होता है, एंड वॉज अबाउट टू मैरी लुसिटा, और लुसिटा जो है उससे वो शादी करने वाला भी होता है। लेकिन जब उसको रियलाइज़ होता है अपनी फर्स्ट वाइफ के प्रति ड्यूटी का, तो वो जो है लुसिटा से शादी करने के लिए मना कर देता है। सिमिलरली जब उसे ये पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन जो है वो उसकी खुद की बेटी नहीं है बल्कि वो न्यूसन की डॉटर है, तो वो अपनी किस्मत को दोष देता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो हेंचर्ड है वो अपने जितनी सारी भी जो गलती करता है उसे एक्सेप्ट करता है, और यही उसकी जो है वो ग्रेटनेस है कि वो अपनी गलती को मानता है, जहाँ पर वो फेट को, चांस को, इन सारी चीज़ों को वो ये क्या वो दोषी ठहराता है। जो हेंचर्ड है वो एक बहुत ही डिज़ायरफुल पर्सन है,
और वो ये झूठ बोलता है न्यूसन से कि जो एलिजाबेथ जेन है वो मर चुकी है, जबकि वो ये जानता है कि एक ना एक दिन जो है वो सच बाहर आ जाएगा और वो एलिजाबेथ जेन को खो देगा जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सो हियर हिज लॉन्गिंग इज रिवील्ड, तो इस तरह से यहाँ पे जो उसकी चाहत है वो हम लोगों को दिखाई गई है। ही इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेम्परामेंट रैदर गिवन टू मेलंकरी, तो इस तरह से उसके उस बिहेवियर को देखा जाता है जो कि काफ़ी एक सेंसिटिव और सेंसिबल पर्सन का होता है और जो ईजिली किसी की भी बातों से उसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और ऐसा ही हैंचर्ड है। बट जो एलिजाबेथ है वो बिल्कुल उससे हैंचर्ड से नफरत करती है और जो उसका नफरत है वो बहुत ही ज़्यादा उससे नफरत करती है और जब अपनी शादी के दिन भी जो है जब हेंचर उसको वेडिंग गिफ्ट देता है तो वो भी लेने से वो इनकार कर देती है, इतना वो उससे जो है वो गुस्सा रहती है। बट एट द एंड जो है उसको रिग्रेट होता है और वो बहुत रोती है और वो उस दिन सबसे ज़्यादा रोती है जिस दिन उसकी शादी रहती है, उसकी हैप्पीएस्ट डे पे। उसको भी रियलाइजेशन हो जाता है कि उसने जो किया हेंचर के साथ वो गलत था। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हैंचर्ड है वो अपनी वाइफ को भी खो देता है, ऑल्सो अपनी जो है प्रेस्टिज उसको भी खो देता है और इन सभी से होते हुए जो है उसका डिस्ट्रक्शन और जो फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ हो वो शुरू हो जाती है और एट द एंड उसका ट्रेजिक डेथ होता है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो डिसअपॉइंटेड था लव के टुवर्ड्स, लाइफ के टुवर्ड्स और इवन जो उसकी ख़राब किस्मत थी उसको यहाँ पे दिखाया गया है। जो उसका एटीट्यूड्स था टुवर्ड्स लाइफ वो जो है किस तरह से इवेंचुअली ट्रेजिक और नेगेटिव उसके ऊपर इम्पैक्ट डालता है ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक रियलिस्टिक व्यू को प्रेजेंट करता है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ हैंचर्ड और उसका मानना है कि वो खुद ही इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार है। जो कुछ भी एक व्यक्ति के लाइफ में होता है उसका जिम्मेदार जो है वो खुद पर्सनल व्यक्ति ही होता है। वी आर नॉट डिप्रेस्ड ऑन रीडिंग द ट्रेजिडी ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरबिस बट आर रेडी फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ इन अ ब्रेव एंड हीरोइक मैनर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नॉवल है द मेयर ऑफ कैस्टरबिस को पढ़ करके भले ही हम लोग को डिप्रेस ना हुए हों, हम लोगों को जो है ज़्यादा ट्रेजिक फील ना हुआ हो, बट ये जो नॉवल है वो हमें एक तरह का ब्रेव और हीरोइक मैनर सिखाती है ताकि हम अपने लाइफ में जितने सारे भी जो स्ट्रगल हैं उसका जो है डटकर सामना कर सकें। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है जो पोएट थॉमस हार्डी है उन्होंने फिलोसफी ऑफ लाइफ थ्रू द कैरेक्टर ऑफ हैंचर्ड के द्वारा प्रेजेंट किया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।